सब्सक्राइब कीजिए ईफन पढ़ाई यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको ड्रा हिच लगाना सिखाऊंगा, जिसे हिंदी में हिंच खुली फास कहते हैं। इसके बारे में पहले बता देता हूं मैं। इससे हम क्या करेंगे कि जब हम लगाएंगे इस फास को, तो किसी पेड़ या किसी ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है, जिससे एक सिरे के सहारे हम नीचे आराम से उतर सकते हैं तथा दूसरे सारे सिरे को खींचते ही वो गांठ आसानी से खुल जाएगी। जैसे हम कहीं भी पहाड़ पे जाते हैं, ऊंचे स्थान से नीचे उतरते वक्त इस गांठ का ज़्यादा उपयोग होता है। तो अब चलो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हम इस पर बांध के दिखाएंगे। ऐसे आप इसे कहीं भी बांध सकते हैं, पेड़ पर भी, किसी ऊंचे स्थान पर। हमने ऐसे रस्सी ले लिया है 3 मीटर की, आप देख सकते हैं हमने इसको ऐसे बराबर कर लिया है। फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ को आपको उसे पीछे से ऐसे लगाना है। देखिए ध्यान से, ऐसे लगाने के बाद जो इसका इस तरफ वाला है, इसको एक ऐसा लूप बनाना है और इसके अंदर से डालना है, फिर इसे खींच देना है। अब सेकंड टाइम इस वाले का लूप बनाना है। देखिए आप, इसका लूप बना के इसमें डालना है। डालने के बाद इस दूसरे वाली रस्सी को खींच देना है, जिससे ये फास तैयार हो जाएगी। अब देखिए आप, मेरे पास 2 सिरे आ गए हैं। नीचे से देख सकते हैं आप, 2 सिरे आ चुके हैं। अब इस सिरे को अगर मैं खींचता हूँ, तो मैं खींच के आसानी से नीचे आ सकता हूँ, आराम से नीचे से उतर सकता हूँ। तो नीचे उतरने के बाद जब दूसरा सिरा है, इसको अगर मैं खींचता हूँ, खींचने के बाद ये गांठ आसानी से खुल जाएगी। तभी मैं बताता हूँ इसका, इसी में ये फायदा है। कहीं भी ऊंचे स्थान पे होते हैं हम, अगर वहाँ से नीचे उतरना है तो इस गांठ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। इस गांठ को हम ड्रा हिच कहते हैं। अब खींच के आराम से नीचे आ सकते हैं, और इसको जैसे मैं खींच के दिखाता हूँ, खींचते ही गांठ खुल जाएगी। देखिए ध्यान से, खुल गई ना, ये बड़ी आसान गांठ है।